नमस्कार, आप देख रहे हैं HBN News। देश के पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी दुनिया को अलविदा कह चुके हैं। आपको बता दें, वे काफी दिनों से बीमार थे, वहीं वे आज पंचतत्व में विलीन हो गए हैं, जिससे पहले पूरे देश ने उन्हें भावभीनी श्रद्धांजलि दी। देश ने साल 2020 में लगातार हो रही नामचीन हस्तियों के मौत के बीच एक और बड़ी शख्सियत को खो दिया। सोमवार शाम देश के पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी का निधन हो गया। वहीं भारत रत्न प्रणब मुखर्जी आज पंचतत्व में विलीन हो गए। पूरे राजकीय सम्मान के साथ उन्हें दिल्ली के लोधी रोड स्थित शवदाह गृह में आखिरी विदाई दी गई। उससे पहले पूरे देश ने उन्हें भावभीनी श्रद्धांजलि दी। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह समेत कई बड़े नेताओं ने उनके घर जाकर श्रद्धांजलि दी। 84 साल के प्रणब मुखर्जी पिछले कई दिनों से बीमार थे और अस्पताल में उनका इलाज चल रहा था। बता दें कि कुछ दिनों पहले प्रणब मुखर्जी कोरोना पॉजिटिव भी पाए गए थे। प्रणब मुखर्जी के देहांत की जानकारी बेटे अभिजीत मुखर्जी ने ट्विटर के जरिए दी। ब्यूरो रिपोर्ट, HBN News।